हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा लेसन है क्लास फाइव के लिए, बंगाल बोर्ड क्लास फाइव। ये बुक है बटरफ्लाई, जो कि क्लास फाइव के बच्चों को दी गई है। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएँ, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अवगत रह सकें। आज हम देखेंगे इस बुक का पेज नंबर 115। लेसन है लेसन 11, द फिनिशिंग पॉइंट। इसका पहला पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आइए आज का पैसेज रीड करते हैं और उसका मतलब समझ लेते हैं। पीटी उषा कुड नॉट परफॉर्म हर एबिलिटी इन 1980 मॉस्को ओलंपिक। 1980 में जब मॉस्को में ओलंपिक्स हुए तो वहाँ पीटी उषा अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई। इवन इन 1982 न्यू दिल्ली एसीआर, 1982 ईस्वी में जब नई दिल्ली में एसीआर हुए, एसीआर का अर्थ होता है एशियाई खेल, सी कुड ओनली विन सिल्वर मेडल। उन्होंने सिर्फ चांदी का मेडल ही जीता इन द 100 मीटर्स एंड 200 मीटर स्प्रिंट। 100 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने चांदी का मेडल ही जीत पाई। हाउएवर एट द एशियन ट्रैक एंड फील्ड ETF चैम्पियनशिप इन कुवैत अ ईयर लेटर, जबकि एक साल बाद ही कुवैत में जब एशियन ट्रैक एंड फील्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ETF चैम्पियनशिप हुई, उषा वॉन द गोल्ड मेडल। उषा एक स्वर्ण पदक जीती हैं इन द 400 मीटर रेस विथ अ न्यू एशियन रिकॉर्ड। एक नए एशियन रिकॉर्ड के साथ वो 400 मीटर की रेस जीत जाती हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद उषा पिक्ड अप 13 गोल्ड मेडल। उसके बाद उन्होंने 13 सोने के पदक जीते एट द ATF मीट्स, और वो सभी ATF मीट्स में, ATF मतलब एशियन ट्रैक एंड फील्ड की कंपेनियनशिप में, दैट वेयर हेल्ड बिटवीन 1983 टू 1989। ये सारे गेम जो हुए हैं वो 1983 से लेकर 1989 ईस्वी के बीच में हुए थे, उसमें उन्होंने 13 सोने के पदक जीते। सी फिनिश्ड फर्स्ट इन द सेमीफाइनल, जब सेमीफाइनल हुआ तो वो उसमें फर्स्ट आई। कब की बात है ये, 1984 लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स पहले 1980 में हुआ था मॉस्को में, उसके बाद 1984 में, 4 साल बाद होता है ओलंपिक, वो हुआ था लॉस एंजलिस में। वहाँ जब सेमीफाइनल हुआ तो वो फर्स्ट आई रेस में, बट फाल्टर्ड इन द फाइनल, लेकिन अंतिम रेस में वो फाल्टर्ड हो गई। फाल्टर्ड मतलब फेल हो गई, नहीं जीत पाई। हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ व्हेन इन नेल बाइटिंग फोटो फिनिश, इतिहास ने अपने आप को दोबारा दोहराया जब ऐसी प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें लोग नाखून चबाने लगते हैं। ऐसी प्रतियोगिता कब होती है, जब कांटे की टक्कर होती है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, एक बॉल होता है, 4 रन होते हैं, तब जो रोमांच होता है, ये वही परिस्थिति है नेल बाइटिंग वाली। फोटो फिनिश मैंने एकदम कांटे की टक्कर थी। बाय वन डिवाइडेड बाय 100 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम का समय था। उषा लॉस द ब्रॉन्ज मेडल, मतलब उषा कांस्य पदक भी नहीं जीत पाई। 1 सेकेंड से भी कम के समय के लिए वो कांस्य पदक से भी रह गई, कुछ नहीं जीत पाई वह। द सेम इंसिडेंट हैड हैपेंड टू अनदर ग्रेट इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह इन 1960 ओलंपिक गेम। ऐसी ही एक घटना पहले हो चुकी थी, किनके साथ, मिल्खा सिंह के साथ, जब 1960 के ओलंपिक गेम्स में वो दौड़े थे और कुछ ही सेकेंड्स के लिए वो रेस में जीत नहीं पाए थे। ऑन बोथ दिस ओकेशन द इंडियन एथलीट कुड विन नो मेडल, ये दो ऐसे परिस्थितियाँ थी, ओकेजन थे, क्षण थे, जब भारत के एथलीट खिलाड़ी जो हैं वो पदक नहीं जीत पाए थे। कौन से दो क्षण थे, दो कौन से ओकेजन्स थे। पहला ओकेजन था 1960 का ओलंपिक गेम जिसमें मिल्खा सिंह दौड़े थे, और दूसरा था ये 1984 का लॉस एंजलिस का, जिनमें पीटी उषा दौड़ी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पैसेज समझ में आया होगा। आइए आगे देख लेते हैं। एक्टिविटी 4, उषा हैड अ मेमोरेबल एंट्री इन 1980 मॉस्को ओलंपिक। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में उनका प्रदर्शन बहुत यादगार था।
फॉल्स, वो नहीं कुछ नहीं कर पाई थी। 1982 न्यू दिल्ली एस यार्ड वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर उषा। 1982 के न्यू दिल्ली के एस यार्ड में वो बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी। नहीं, सिर्फ एक ही सिल्वर मतलब जीत पाई थी शायद। सी मेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड इन कुवैत। हाँ, कुवैत में जब वो दौड़ी तो नया एशिया का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। बिटवीन 1983 to 89 उषा वॉन मोर देन 10 गोल्ड मेडल एट ATF मीट। हाँ सही है, 10 से ज़्यादा जीते थे वो। उषा फिनिश फर्स्ट इन द फाइनल इन 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक। उषा फाइनल में फर्स्ट आई थी लॉस एंजलिस 1984 के ओलंपिक में। जी नहीं, वो कुछ ही क्षणों के लिए ब्रॉन्ज से भी हाथ धो बैठी थी। आइए एक्टिविटी 5 देखते हैं। लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वॉज उषाज परफॉर्मेंस इन न्यू दिल्ली एशियन गेम्स। इसका उत्तर पैसेज में मिल जाएगा, यहाँ से लिखेंगे इन द 1982 न्यू दिल्ली एशियाड, या सी ना लिख के उषा या कुछ भी पीटी उषा लिख सकते हैं। कुड ओनली विन सिल्वर मेडल इन द 100 मीटर एंड द 200 मीटर स्प्रिंट। यहाँ तक ये एक नंबर का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। टू ओलंपिक गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। जी हाँ, दो ओलंपिक गेमों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। पहला ओलंपिक गेम, व्हेन डिड दिस टेक प्लेस। पहला ओलंपिक गेम हुआ था 1980 में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1980 में मॉस्को में। वेयर वर दीज हेल्थ, हुआ था ये मॉस्को में। साथ में ही लिख देते हैं हम लोग, स्पेलिंग देख लेते हैं। पहला ओलंपिक गेम 1980 जिसका यहाँ उल्लेख है, और दूसरा ओलंपिक गेम 1984, 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं, ये हुआ था लॉस एंजलिस में। इसकी भी स्पेलिंग देख लेते हैं यहाँ, देखिए यहाँ इसका उल्लेख है और पहला यहाँ। उम्मीद करती हूँ आज का पैसेज आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार का संदेह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।